हे एवरीवन वेलकम टू फ्री एमबीए सीरीज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म के बारे में वेल well, मैंने बिजनेस मॉडल सेक्शन के अंदर ऑलरेडी तीन तीन वीडियोस बना दी हैं और उसके अलावा मैं तीन से चार वीडियोस और बनाने वाला हूं वेल well, मैंने ऑलरेडी बिजनेस मॉडल क्या होता है सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल और प्रीमियम बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियो बना दी है अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज इस फ्री एमबीए सीरीज को एकदम सीक्वेंस से देखें सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ What's going on in the complete free MBA series? तो चलिए प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है और नेटवर्क इफेक्ट कैसे काम करता है प्लेटफॉर्म के अंदर तो प्लेटफॉर्म कोई भी एक मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट होती है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करती है आपकी जो एमेजोन की वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है ऊबर ओला जोमेटो स्विगी ये सभी प्लेटफॉर्म बिजनेस है जोमेटो और स्विगी रेस्टोरों को कस्टमर से कनेक्ट करते हैं डिलीवरी बॉयज की हेल्प से ये हो गया थ्री साइडेड प्लेटफॉर्म ओला एंड उबर आपके ड्राइवर को आपके राइडर से कनेक्ट करते हैं टू साइडेड प्लेटफॉर्म सो प्लेटफॉर्म कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है जो आपस में दो या तीन पार्टीज को कनेक्ट करती है अगर तीन पार्टीज हैं तो थ्री साइडेड प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमैटो एंड स्विगी बल सवाल ही आता है कि प्लेटफॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर या फिर कस्टमर को बहुत सारे प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कनेक्ट करवाना एक वेबसाइट की हेल्प से या फिर ऐप की हेल्प से उसके अलावा प्लेटफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको टूल्स प्रोवाइड करता है कि आप कस्टमर इनसाइट देख सकते हैं आपका कितना सेल्स हुआ इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं ऑनबोर्डिंग लिस्टिंग ये सभी फीचर्स प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कराता है ताकि वो कस्टमर को सामान बेच सके अभी समझ लेते हैं नेटवर्क इफेक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्लेटफॉर्म बिजनेस के ऊपर और इस चीज को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा आप फेसबुक क्यों यूज करते हैं सिंपल सा आंसर है क्योंकि आपके फ्रेंड फेसबुक पर है आपके फ्रेंड फेसबुक इसलिए यूज करते, है? है। करते हैं क्योंकि आप फेसबुक के ऊपर है सेम गोज विद व्हाट्सएप आप इसीलिए व्हाट्सएप यूज करते हैं बिकॉज सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं ज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ नेटवर्क इफेक्ट सिंपल लैंग्वेज में नेटवर्क इफेक्ट इज अ सिंपल फिनोमिना जहां पर हर एक पार्टिसिपेंट के एड होने से उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है जितने ज्यादा लोग व्हाट्सएप पे होंगे या फिर इंस्टाग्राम पर होंगे उतनी ही ज़्यादा वो आप यूज करेंगे बिकॉज उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा अपने दोस्तों के बारे में फ्लिपकार के ऊपर जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने ही ज्यादा सप्लायर भी आ जाएंगे अपना सामान बेचने के लिए तो जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने सप्लायर होंगे जितने ज्यादा सप्लायर होंगे उतने ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और जितने ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे उतने ही ज्यादा लोग एमेजोन को प्रीफर करेंगे फ्लिपकार्ट की बजाय सो दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इफेक्ट इसको ग्रोथ लूप भी बोलते हैं इसका मतलब कि लूप जो है वो साइकिल में मूव करती है ज्यादा सप्लायर तो ज्यादा कस्टमर ज्यादा सप्लायर तो ज्यादा प्रोडक्ट और अगर ज्यादा कस्टमर तो उतनी ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है आपका सप्लाई चेन उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ लूप और ये सभी ग्रोथ लूप मिलके फ्लाई व्हील को जन्म देती हैं। फ्लाईवील इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट शायद आपको कभी किसी और वीडियो में फ्लाईवील कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे स्टिल अगर मैं फ्लाईवील कंसेप्ट एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप जितनी ज्यादा उबर कैब बुक करेंगे मतलब जितने अगर ज्यादा कस्टमर होंगे ऊबर के पास उतने ही ज्यादा जल्दी आपके पास ड्राइवर पहुंच पाएगा बिकॉज अभी बहुत सारे ड्राइवर हो गए हैं ऊबर के ऊपर अगर काफी ज्यादा ड्राइवर हो जाएंगे तो उन ड्राइवर के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा और ऊबर उनको काफी कम मार्जिन देना शुरू कर देगा जितना कम मार्जिन देगा उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी जितनी कॉस्ट कम होगी उतने ज्यादा लोग फिर उबर कैब बुक करना शुरू करेंगे और ये टिपिकल सारी ग्रोथ लूप आपस में कंबाइन होकर फ्लाई व्हील को जन्म देती है इसका मतलब कि शुरुआत में शायद उस मार्केट में आपको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी बट अगर एक बार ज्यादा से ज्यादा लोग कस्टमर आपके पास आ जाते हैं तो बेसिकली आप ज्यादा ड्राइवर ऑनबोर्ड कर सकते हैं उनके ज्यादा कट मतलब ज्यादा मार्जिन उनसे कमा सकते हैं और उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा और ऑब्वियसली उससे आपका प्राइस स्लैश डाउन हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी उबर या फिर ओला बुक करेंगे टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्लाई व्हील अभी हम लोगों ने समझा कि टू साइडेड या फिर थ्री साइडेड बिजनेस मॉडल के अंदर जो आपकी एंटिटी होती है जो कि आपकी मोबाइल ऐप है या फिर वेबसाइट है वो छोटा सा कट लेती है पूरी ट्रांजेक्शन को फैसिलिट करने के लिए इसका मतलब सप्लायर अगर अपना सामान कस्टमर को बेच रहा है जो कि एमेजोन है तो एमेजोन फाइव से लेके ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट तक कट लेता है उस पूरी ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में बेच रहे हैं तो हेल्थ केयर में अलग मार्जिन होते हैं क्लोदिंग में अलग होते हैं तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस मार्जिन के बदले जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो रीसेलर को कस्टमर की रीच प्रोवाइड कराता है उनको काफी अच्छे अच्छे टूल्स देता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेज मेंटेन करता है एंड उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना ट्रांजेक्शन को फैसिलेट करने के लिए पेमेंट गेटवे पेमेंट कलेक्शन री वो सभी फीचर्स देना इज दी कोर फंक्शन ऑफ एनी प्लेटफॉर्म बिजनेस फिर चाहे वो ई e कॉमर्स हो फूड uh, एग्रीगेटर हो या फिर कोई भी एनी एनी शॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस थ्री साइडेड जो प्लेटफॉर्म बिजनेस होते हैं वो तीन पार्टीज को आपस में कनेक्ट करते हैं जैसे कि अगर हम लोग जोमेटो स्विगी या फिर उबर ईट्स की बात करें ऑब्वियसली उबर ईट्स अभी इंडियन मार्केट में नहीं है बट स्टिल तो बेसिकली जो ऊबर ईट्स है या फिर जोमैटो है वो जो एक ईटर होता है जिसको खाना खाना है उसको कनेक्ट करता है रेस्टोरों से तो रेस्ट्रो की सारी लिस्टिंग करती है अपनी ऐप के ऊपर एंड देन पर्सन कैन चूज एनीथिंग दैट ही वॉन्ट टू ईट उसको वो लोग डिलीवरी पार्टनर के थ्रू कस्टमर के घर के ऊपर डिलीवर करा देते हैं जोमैटो एंड स्विगी को रेस्टोरेंट कट, तो कट लेते हैं तो अगर रेस्टोरेंट सौ रुपए का खाना बेच रहा है तो जोमैटो सिर्फ सत्तर रुपए ट्रांसफर करेगा उस रेस्टोरेंट को थर्टी रुपीज अपने पास रख लेगा एंड उसके अलावा आई थिंक जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसमें जोमैटो ट्वेंटी से लेके थर्टी थर्टी फाइव तक जो डिलीवरी करने वाला जो पर्सन होता है उसको पे करता है और प्लस में उसमें स्टार रेटिंग और ये सभी फीचर्स होते हैं जो ये काफी बेसिक है तो आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या होता है और कैसे काम करता है अगर आप इस वीडियो के ऊपर या फिर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही एलोग्रिदम इस चैनल को ऊपर पुश करेगा और बेसिकली मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी मैं वीडियोस बना सकूं उसके अलावा अगर आप इस ट्रेडिशनल फ्री एम सीरीज के अलावा बिजनेस मॉडल को और डीप में समझना चाहते हैं तो मैंने क्यूडमी के ऊपर कोर्स बनाया है तो आई थिंक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वर्किंग इंडिविजुअल हैं तो आप उसको देख सकते हैं उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट थर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल कवर किए हैं YouTube के ऊपर शायद मैं इम्पोर्टेंट सात या फिर आठ बिजनेस मॉडल ही कवर कर पाऊं सो so, अगर आप फ्री में वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं सो ऑल द वीडियोस आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल आप कभी भी देख सकते हैं उसके अलावा आप अपना ध्यान रखिए एंड कोई भी अगर मन में डाउट आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम और लिंकड की आईडी स्क्रीन पर आ रही होंगी या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा उनका लिंक फटाफट आ जाओ कोई भी अगर डाउट है आपके दिमाग में पूछने के लिए